ओके तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकेंड वीडियो या फिर हम इसको कह सकते हैं पार्ट टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसकी पहली वीडियो में हमने बात किए थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको हमने देखा था, और ये जो छः फॉर्मूले आपके सामने अभी है इसको हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पार्ट वन वीडियो में देखा था। आप चाहे तो उसको आई बटन में क्लिक करके, ऊपर में आपको आई बटन दिख रही होंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसके हेल्प से। बेसिक डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे हम लोगों ने ये छः फॉर्मूले जिसको हम सम एलिमेंट्री फंक्शंस भी बोलते हैं। तो उस डेफिनेशन को यूज़ करके हम कैसे इन सिक्स एलिमेंट्री फंक्शन को प्रूफ कर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो का मोटो ये है कि जो छः टाइप के फॉर्मूले हैं हमको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले एक्चुअली में कैसे आए हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे राइट हैंड साइड के बराबर होता है वो हमको प्रूफ करना है। किससे प्रूफ करना है, विद द हेल्प ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हम ये पेज जो आपके सामने दिख रहा है वो है जो हमने इसकी पहली वीडियो में छह फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो फॉर्मूले से ये। तो ये फॉर्मूले एक बार आपने नोट कर ली हो पिछली वीडियो में तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इस छह फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे इन छह फॉर्मूले का प्रूफ, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रूफ सिर्फ प्रूफ तो नहीं आता है, कभी कभी आ भी जाता है, या फिर प्रूफ के साथ जैसे ये ई टू द पावर ए टी है इज इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए एस इज ग्रेटर देन ए, ये फॉर्मूला आपको पूछे बोलेगा कि इसको प्रूफ करो और सॉल्व इट करके इसी बेस में, मतलब इसके ही टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा वो आपको पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये तो इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज साइन कॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जामिनेशन में लगभग एक बार पूछता ही है यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंजीनियरिंग में भी और बीएससी में भी। तो अब हम देखेंगे इसके प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ नंबर वन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन या फिर पहला फॉर्मूला, अगर लैप्लास ऑफ वन है तो इज इक्वल टू इसको वन बाय एस प्रूफ करो बोलता है। हमने जब वीडियो बनाए थे तो आपको बताया था कि जो बेसिक डेफिनेशन होती है उस बेसिक डेफिनेशन को लेकर ही हमको हर काम करना पड़ता है लैप्लास के ऊपर। तो कुछ नहीं करेंगे हम, इसको फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हेल्प लेंगे विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम इसको आपको अच्छे से बताते भी जा रहे हैं और प्रूफ भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप इसको यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बाय द तो क्या होगा, अब हम यूज करेंगे द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब लिख सकते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब सबसे पहले जो भी आप फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हो तो डेफिनेशन जरूर लिखे कि एक्चुअली में हम किस डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, तभी हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्या बोलता है, लैप्लास ऑफ हमारी बेसिक डेफिनेशन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको प्रूफ करना है, लैप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाय एस, हमको इसको प्रूफ करना है। तो जैसे हमको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि टी के जगह अगर हमने पुट कर दिए एफ ऑफ टी के जगह हमने वन पुट कर दिए तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के जगह लिख दिए हमने वन इज इक्वल टू एज इट इज जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के जगह पुट कर देंगे हम वन डी टी, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, क्या बोलता है, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज फर्दर डेरिवेटिव इज माइनस एस इज इक्वल टू
क्या दी हुई लिमिट, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ लिख देंगे हम, बस हो गया सॉल्व। लिमिट को हम पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, पूरा जीरो हो गया, माइनस वन अपॉन माइनस एस, ठीक है। तो क्या बच गया, वन बाय एस हो गया, ये बस हमको यही चाहिए था, लैपलास ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाय एस, हेंस प्रूव्ड। तो इतना इजी है ये, जो हमको दो दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं कि हमने लैपलास ऑफ वन हमको इज इक्वल टू वन बाय एस प्रूफ करना था, डेफिनेशन लगाए विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, पुट कर दिए एफ ऑफ टी की जगह वन, सॉल्व किए एफ ऑफ टी की जगह वन, इजिली लिखे, इजी लिखने का इसको इंटीग्रेट किए, फर्दर डेरिवेटिव लिए, लिमिट दी हुई थी जीरो से इन्फिनिटी यूज़ किए, पुट किए जीरो, फिर इन्फिनिटी पुट किए, और आगे हमको वन बाय एस, ये हमारा प्रूफ हो गया लैपलास ऑफ वन, लैपलास ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाय एस। अब हम बात करेंगे दूसरे इसकी, ठीक है। तो दूसरा क्या है, लैपलास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस ए, ठीक है। ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक ही काम रहता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म की हम डेफिनेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या होती है लैपलास ट्रांसफॉर्म की, बार बार लिखना है हमको, हम एक बार लिख लिए, ये लिखा हुआ है हमको कोई मतलब नहीं, हमको इसको याद करना है, तो बार बार लिखना पड़ेगा। क्या होती है लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, आप भी दोहराते जाओ, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। सिंपल दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसको, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमको एफ ऑफ टी की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट किए थे, वन किए थे, यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, बताओ क्या कर सकते हैं हमें पुट, हम यहाँ पुट करेंगे ई टू द पावर माइनस ए टी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह हम पुट कर देंगे ई टू द पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या पुट करेंगे हम, ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस कॉमन ले लेंगे, और क्या बच गया, एस प्लस ए बच गया, और यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे डी टी, जीरो से इन्फिनिटी क्या बच गया, ई टू द पावर, इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे इसको, सिंपल एस प्लस ए अपॉन टी, फर्दर डेरिवेटिव एस प्लस ए, ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी, क्या बच गया, पुट कर देंगे लिमिट, जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है, माइनस वन अपॉन माइनस एस प्लस ए, ठीक है। अब क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बच क्या गया, वन अपॉन एस प्लस ए, क्या चाहिए था, हम क्या सॉल्व करते हुए आ रहे थे, लैपलास ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस सी, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये चाहते थे हम कि हम लैपलास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी को इज इक्वल टू वन बाई एस प्लस ए कैसे ला सकते हैं, हमने हेल्प किए विद द हेल्प ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, क्या किए, पुट किए एफ ऑफ टी के जगह ई टू द पावर माइनस ए टी पुट कर दिए हम लोगों ने, सिंपली सॉल्व करते गए, इंटीग्रेट किए, माइनस कॉमन निकाल लिए और टी भी कॉमन निकाल लिए, डी टी बचा इज इक्वल टू, सिंपल था, जैसे यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दिए, तो ये ऐसा हो गया, लिमिट पुट किए जीरो और वन अपॉन माइनस एस प्लस ए बचा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस ए। तो ये हो गया हमारे दो प्रूफ, इसके बाद हम प्रूफ करेंगे साइन कॉस और फिर वो एक और बचा है टी टू द पावर एन वाला, ठीक है, ओके। तो अब बारी है
फोर्थ नंबर के फॉर्मूले की, जिसको हम बोल सकते हैं लेप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। अब हमको इसको प्रूफ करना है, तो फिर वही हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो क्या होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म? लेप्लास ट्रांसफॉर्म की हो गई ये बेसिक डेफिनेशन। क्या होती है? लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी बेटा e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यही हो गई, हमने जब प्रूफ किया था लेप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाय एस, तो हमने पुट किया था एस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन। जब हमने प्रूफ किया e टू द पावर माइनस ए टी, तो हमने पुट किया पुट, ठीक है। तो जैसे ही हम जैसे जैसे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसको हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे? पुट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम टी टू द पावर एन पुट कर देंगे, तो क्या होगा? लेप्लास ऑफ टी टू द पावर एन, ठीक है, लेप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी के जगह पुट कर देंगे टी टू द पावर एन डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्या होगा वो सब्सटीट्यूशन? हम इस एस टी को पुट एस टी इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हम, इस एस टी के जगह हम एक्स पुट कर दिए, तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी हमको एक्स बाय एस, मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? एक्स बाय एस। और अगर हम इसको लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एस, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो हमने छोटा सा सब्सटीट्यूशन किया, तो कॉमन सी बात है लिमिट चेंज होंगी, तो लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली में। अगर जब टी टेंड टू हम ज़ीरो पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो एक्स टेंड टू भी ज़ीरो हो जाएगा, और जब हम टी टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एक्स टेंड भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम, ये हमारा एक छोटा सब्सटीट्यूशन हो गया, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी के जगह हम क्या पुट करेंगे? एस टी के जगह माइनस एज इट इज, एस टी के जगह हम पुट करेंगे एक्स, और एक्स पुट करेंगे, और टी के जगह हम पुट करेंगे एक्स बाय एस, एक्स बाय एस, और एन की जगह हम एन ही रहने देंगे, और डी टी के जगह क्या लिखे थे हमने? डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डी एक्स बाय एस, ठीक है। अब क्या बच गया? ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम एक्स टू द पावर एन इंटू वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिख दिए। अब क्या बच गया? डी एक्स एस एस और एन प्लस वन। अब हम क्या करेंगे? हमको पता है कि ये कॉमन टर्म हो गई, इसको हम बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एस एन प्लस वन। क्या बच गया कॉलम के अंदर? ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन। अब बताओ हमको, अगर इस एन में हम प्लस वन किए और माइनस वन किए, ये प्लस वन माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स ही बचेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ये बच गया डी एक्स। अब हमने बीएससी सेकंड सेम या फिर इंजीनियरिंग में भी गामा फंक्शन करके कुछ चीज़ पढ़े थे, तो वो क्या होती है गामा फंक्शन? गामा फंक्शन होता है, यहाँ पर देखते हैं, अब गामा फंक्शन होता है गामा ऑफ ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये होता है हमारा गामा फंक्शन। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मतलब इसका फंक्शन है गामा का, ये बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है, इसके समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो हम बस इसको वहाँ पर पुट कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया था? ई टू द
1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, और ये हो गया हमारा गामा ऑफ एन प्लस 1, एन एज इट इज प्लस 1. तो इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, और ये जो एन प्लस 1 है उसको ही हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल. बस हैंस प्रूव्ड हो गया ये फॉर्मूला भी, हैंस प्रूव्ड. ये अच्छा प्रॉब्लम है, आपको 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है. कुछ नहीं किए, टी टू द पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस, अपने को प्रूफ करना था. बेसिक डेफिनेशन लगा लैपलास ट्रांसफॉर्म की, हम जानते हैं क्या होता है. एक और बार दोहराओ आप, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ डी टी. इस एफ ऑफ टी के जगह हमने पुट कर दिए टी टू द पावर एन, ठीक है. तो एज इट इज हमने फॉर्मूले में लिखे एफ ऑफ टी के जगह टी टू द पावर एन, और टी टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी के जगह लिख दिया हमने टी टू द पावर एन डी टी. उसके बाद किया हमने एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन किए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, हमने एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन करने की कोशिश किए. पुट इस एस टी के जगह हमने एक्स पुट कर दिए, तो हमको यहाँ से टी की वैल्यू मिल गई. टी की वैल्यू क्या मिली हमको, एक्स बाय एस, क्योंकि हमको टी चाहिए था. यहाँ पे हमको टी दिख रहा था, हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, और इसको डेरिवेटिव कर दिया, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एस हो गया. उसके बाद क्या हुआ, लिमिट चेंज हुई. तो लिमिट चेंज किया हमने, तो लिमिट में चेंज करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई. लिमिट चेंज होने के बाद वैसी की वैसी रही. फिर हमने आगे सॉल्व करने की कोशिश किए, ई टू द पावर माइनस एक्स, जो सब्सटीट्यूशन किए थे उससे जो वैल्यू हमको मिली थी हमने उसको पुट किए. वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 हमने कॉमन कॉन्स्टेंट वैल्यू थी तो बाहर निकाल ली. कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकालने के बाद जो कुछ बचा वो कुछ इस तरह बचा, और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. गामा फंक्शन, गामा फंक्शन हमने लिखे, क्या होता है गामा फंक्शन, गामा फंक्शन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. अगर ऐसा कुछ दिखता है हमको तो हमको लिख सकते हैं गामा ऑफ एन. बस वही किए, एन प्लस 1 ये यहाँ पर था, गामा ऑफ एन प्लस 1 लिखे, और अगर हम एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये एन फैक्टोरियल होता है तो ये एन फैक्टोरियल यहाँ पर आया एस टू द पावर एन प्लस 1. यही हमको प्रूफ करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है. ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे अगला एलिमेंट्री फंक्शन. तो अगला एलिमेंट्री फंक्शन जो है वो है लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए. जैसे हम आपको एलिमेंट्री फंक्शंस बता रहे हैं और इसका प्रूफ कर रहे हैं, वैसे अगले आगे में हम जाके इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर हमको कहीं लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी दिखता है तो हम डायरेक्ट उसको 1 अपॉन एस माइनस ए लिखेंगे. अभी हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है. तो जानते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म. लिख सकते हैं. तो क्या होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म. लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म. अब क्या करेंगे, पुट करेंगे. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर ए टी. सॉल्व करेंगे 0 से इन्फिनिटी, ये लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी हो गया. 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और इंटू एफ ऑफ टी के जगह ई टू द पावर ए टी डी टी. अब क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे. क्या हो गया, माइनस टी कॉमन निकाल लिए, यहां से माइनस टी कॉमन हो गया, अंदर में क्या बचा, एस माइनस ए, ठीक है, डी टी. पुट कर देंगे लिमिट ई टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए डी टी 0 से इन्फिनिटी करेंगे, टी के जगह हो जाएगा पूरा 0, माइनस 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा 1, और क्या बच गया, माइनस ऑफ एस माइनस ए. माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए. क्या चाहते थे हम, लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी को प्रूफ करना चाहते थे हम 1 अपॉन एस माइनस ए.
ठीक है, यही हम प्रूफ करना चाहते थे। तो बस हो गया प्रूफ, क्या किए, एफ ऑफ टी पुट कर दिए टू द पावर ए टी, सॉल्व किए, इंटीग्रेशन पुट किए, हमारे पास आ गया आंसर, इसको ही हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो जो कॉल्ड एज एलिमेंट्री फंक्शन। अब हम देखेंगे अगला एलिमेंट्री फंक्शन। ओके, अब हम देन प्रूफ करेंगे लैप्लास ऑफ, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो लैप्लास ऑफ साइन ए टी है इज इक्वल टू क्या होता है, ये अपन ने याद किए थे ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम प्रूफ करेंगे एक। और हम सेकेंड वन प्रूफ करेंगे लैप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, अल्टरनेटली प्रूफ करेंगे। अल्टरनेटली प्रूफ करने से पहले हम दो एकदम बेसिक फॉर्मूले जिसको हमको लर्न करना होगा और इन दो प्रूफ में हमको उसका यूज़ करना होगा। तो वो दो फॉर्मूले कौन से हैं, पहला है ओके तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो है ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स रहेगा तो वो हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करके हम इसको और इसको अल्टरनेटली प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो एलिमेंट्री फंक्शंस है उसके मतलब प्रूफ के बारे में बात की, जिसमें से अभी हमारा जो प्रूफ नंबर, हमने कुछ प्रूफ किए लेकिन अभी हमारे प्रूफ कौन से बच चुके हैं, जिसमें से पहला है लैप्लास ऑफ साइन ए टी, जो कि क्या होता है साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला हमारा कौन सा बच गया, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी का। इन फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बताया था, फॉर्मूला नंबर ये और फॉर्मूला नंबर ये। ये दो फॉर्मूले को आपको अच्छे से लर्न करना है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी लैप्लास ऑफ कॉस ए टी, इसको हम कैसे बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं और फिर इसको हम कैसे अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं वो, और क्या बच जाएगा उसके बाद थर्ड नंबर का बच जाएगा लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी और बच जाएगा लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले अभी हम बच जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो फॉर्मूलेज है साइन लैप्लास ऑफ साइन ए टी लैप्लास ऑफ कॉस ए टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो इसके लिए हम पार्ट 3 पर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दो फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, दो फॉर्मूले को लर्न करने के बाद हम उस दो फॉर्मूले को यूज़ करके इसको प्रूफ करेंगे और इसको प्रूफ करने के बाद हम अल्टरनेट मेथड से कैसे इन दो फॉर्मूलेज को प्रूफ करते हैं ये बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस रिलेटेड और एलिमेंट्री फंक्शंस के प्रूफ से तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप जाके स्टडी वाला अगर आप लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, आशा करते हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो फिर मुलाकात होंगी पार्ट 3 में, जिसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और आपको ये सब फॉर्मूलेज लर्न करके रखना है। तो जब तक के लिए
गुड बाय।